Assalamu alaikum. Two brilliant actors with me here today. Hamari TikTok ki series continues. We have the absolutely stunning Jannat and the very handsome Umer. So, you know, two very beautiful faces and very talented faces. So, aaiye inse milte hain. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. ओके सबसे पहले लेडीज फर्स्ट के तहत शुरू करेंगे. जबकि दो खवातीन जब प्रेम में हो तो लड़के को पहले मौका मिलना चाहिए, लेकिन उमर हम एज पर ट्रेडिशन चलेंगे और नहीं पूछेंगे आपसे पहले पहले करना चाहिए मुझे. सही है. एक्टिंग पहले हुई या टिकटॉक? टिकटॉक. क्यों? शौक में शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऑफर्स आने लग गई, तो फिर मैं टिकटॉक को छोड़ के छोड़ा नहीं है. बट ऐसे कि बहुत कम टिकटॉक अब इस फील्ड में मैं जाता एक्टिंग के. नो, बट आई गेस मेरा क्वेश्चन ये है जनक कि आपने टिकटॉकिंग की तरफ ये रुझान क्यों किया? नाउ द रीजन आई एम आस्किंग दैट इज क्योंकि लड़कियों को यूजली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फ्लैक मिलता है जब आती हैं टिकटॉक के ऊपर, एंड हर किसी की एक राय होती है कि ये तो ऐसी होगी तो वैसी होगी. राय तो है, मतलब हर फील्ड में आपको जज करेंगे, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप टिकटॉक कर रहे हो, चाहे आप घर पे बैठे हो, तब भी आपको जज करेंगे. तो मैंने वैसे ही अपनी छोटी बहन को देखा, वो बनाती रहती थी हर टाइम, तो उसको देख के मैंने शुरू किया और मैंने बंद भी कर दिया. तो 5-6 महीने बाद जब मैंने दोबारा देखा तो वो व्यूज़ काफ़ी आए हुए थे और फॉलोवर्स काफ़ी थे, फिर मैंने करके भूल गई. भूल ही नहीं, मुझे लगा ही तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया. और जब 5 महीने बाद दोबारा खोला तो वो फिर माशाल्लाह से. व्हाट अबाउट यू? चलें अब आपको मौका दे देते हैं बात करने का. अच्छा, व्हाई? मतलब टिकटॉक पहले हुआ या एक्टिंग पहले हुई? टिकटॉक. टिकटॉक क्यों? असल में सीन ये हुआ था, मैं बैठा हुआ था मरी, हम ना घर था हमारा मरी में, हम लोग बैठे हुए थे, सारे दोस्त आपस में बैठे हुए थे. तो मेरे दोस्त का छोटा भाई था, वो देखता था उस टाइम टिकटॉक, नया नया म्यूजिकली से टिकटॉक हुआ था. तो उसने मुझे कहा कि यार उमर भाई आप टिकटॉक बनाओ. मैंने कहा ठीक है. मैं घर गया, वापस जब आया मैंने पहली अपनी वीडियो लगाई टिकटॉक की. मेरी पहली वीडियो पे आई गेस 5-6 हज़ार लाइक थे पहली वीडियो पे. बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा थे उस टाइम. वो आगे से जन्नत की एक्सप्रेशन प्लीज, 5-6 मिलियन से कम मैं बात नहीं करती. मेरी तुम 5-6 हज़ार की बात कर रहे हो. इनकी पहली वीडियो थी, इनकी पहली वीडियो पे 200 लाइक्स थे, मेरी पहली वीडियो में फिर 500. बहुत खूबसूरत, 5000 सो है, अल्लाह ने बहुत हुस्न दिया है. दोनों लड़ लो, मैं थोड़ी देर आराम करती हूं, वैसे आजकल मैं ज्यादा थकी हूं. लड़ लो के तो बता ना. फिर पहली वीडियो पे मेरे 5000 लाइक्स आ गए, दूसरी वीडियो पे मेरी वायरल हो गई, उस पे 14000 समथिंग लाइक्स थे. फिर मैंने वहां से कंटिन्यू कर लिया. मैंने कहा खैर अब मजेदार सीन है, इसको कंटिन्यू करो. ओके, एंड देन लोगों ने आपको एक्टिंग के लिए भी अप्रोच किया, तो आप दोनों तो लिविंग प्रूफ हो इस चीज के कि अगर आप even from TikTok. मुझे एक सवाल, I never downloaded TikTok. And I'll tell you why. Now I'll explain to you why. Because as an actor, पैसे मिलते हैं acting के. Hosting करते हो, उसके पैसे मिलते हैं. YouTubing भी करते हो, एक a certain amount of चीज को पैसे मिलते हैं. TikTok से तो एक देला नहीं मिलता. आपको किसने कहा? नहीं वो बात है, अभी मुझे sense समझ आई है. ये भी समझाओ. नहीं, but अब you know why I'm asking, because जो young लोग अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना चाहते हैं कि करने देना टिकटॉकिंग, नहीं करेंगे कोई भाई यार या फास्ट. यू गाइस डोंट मेक स्टूपिड या भाई यार वीडियोस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू कम, कि देयर आर पीपल दैट मेक नाइस स्टफ. असल में सीन ये है कि जज तो आपको हर फील्ड में किया जाएगा. बिल्कुल बड़ा है कि यार वो एक है, वता इज्जु मंतशा वता जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की ज्यादा. बेशक बेशक, क्या कहते हैं ये अल्लाह ही बेहतर पता है कि वो किस चीज़ में आपको इज्जत देता है, किस चीज़ में आपको जिल्लत देता है. उस डिपेंड नहीं करता कि आप अगर वीडियोस बना रहे हैं तो आपको इज्जत मिलेगी. इवन ये भी हो सकता है आपको घर बैठे बैठे भी जिल्लत मिल सकती है, जरूरी नहीं है उसके लिए. बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब जिनका ताल्लुक रिलीजन से या बड़ी या सूफी से है और उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी या कर दी जिससे पूरा का पूरा उनका करियर और लाइफस्टाइल ही ठप गया. बोलने से पहले सोचना चाहिए, जो आपकी ज़ुबान होती है इससे ये जो ज़ुबान है ये आपका पूरा आपकी पर्सनैलिटी को बता देती है, आप कैसे बोलते हो. तो जितना ज़्यादा हम मीडिया की स्पॉटलाइट में आते हैं, दिस इज़ फॉर मैन एंड फॉर वुमन, तो वो जितना ज़्यादा मीडिया की स्पॉटलाइट में आते हैं ज़िंदगी जीनी मुश्किल होने शुरू हो जाती है. हो जाती है, आपकी प्राइवेट लाइफ ख़त्म हो जाती है और घर बैठे बैठे आपको कमेंट्स आप जो पढ़ते हो आपको वो हेट भी मिल रहा होता है, प्यार भी मिल रहा होता है. मतलब आप डिप्रेशन में बैठे हुए और कोई आपको नहीं, लेकिन डिप्रेशन में जाना नहीं चाहिए. नहीं नहीं, वैसे कह रही हूं ना कि सोचो आप, यू आर सिटिंग, उमर यू आर सिटिंग एट होम, यू हैड अ बैड डे, आप
बाहर से काम कुम करके आए हो, घर पे भी थोड़ा झगड़ा हो गया, अब आप अपने कमरे में आके बैठे हो, टिकटॉक की वीडियो खोलते हो और उसके नीचे को 50 बदतमीज 1000 अच्छे भी हैं, 50 बदतमीज कमेंट है। असल में ना नहीं, असल में इसी वजह से ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं। रोल नंबर वन ऑफ इंटरनेट, कभी भी कमेंट्स, मैं कमेंट्स खोलता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि यार आपने कर दिया ठीक है, आपको पता है बस बेहतर है, आप कमेंट्स पढ़ो ही ना। लेकिन आप दोनों सोशल मीडिया पे अदरवाइज तो बहुत एक्टिव हो, अपने इंस्टाग्राम और दूसरी चीजों पे, उधर तो जवाब देते हो। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, इंस्टाग्राम एक वह चीज है जहाँ पे आपको कम हेट मिलता है। ट्रू, इंस्टाग्राम पे आपको वही लोग फॉलो करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार नहीं करते वो आपको फॉलो करने नहीं आते। टिकटॉकर्स पे क्यों, टिकटॉकर के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, वो डाउनलोड करो फिर उनको फॉलो भी करो। अच्छा, हमें समझ नहीं लगती, हमें देखते भी हैं, हाँ। हमें हेट भी करते हैं, हाँ। हमें फॉलो भी किया हुआ, हमें लाइक भी करते हैं, हमें कमेंट भी करेंगे, लेकिन तुम लोग नहीं ठीक। दिस इज माय पॉइंट, व्हाई, ये तो मैं आज तक समझ नहीं आया। अच्छा, ये सेंस अभी, अच्छा चलो ये मिस्ट्री ही रही, जो हमने एक मेजर मिस्ट्री सॉल्व करनी, मिस्ट्री है। अच्छा, आजकल किन कामों में मशगूल हो, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू नो, टिकटॉक की वीडियोज में और अदरवाइज भी आप लोग एक लिमिटेड आप लोगों के तक एक्सेस होती है। इस इंटरव्यू का पॉइंट ये था कि लोगों को एक तो पता चले लाइफ स्टाइल क्या है, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, आजकल क्या आजकल बस ये शूट्स वगैरह, शूटिंग चल रही है और कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, फिर घर आना, फिर कॉल आ जाने, कल दोबारा शूट है। माशाल्लाह, फिल्म की डबिंग की अभी मैंने रिसेंटली, और हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, पहली दफा किया बहुत मुश्किल था, तो फिर जब फ्लो बन गया तो फिर सारा सही हो गया। क्या मसूफ यार, हम लोग भी बस यही जहाँ पे इस टाइम जलील ही हो रहे हैं, समझ लिया। हमें हम लोगों ने शायद आज चले जाना था निदा यासर के मॉर्निंग शो पे कराची, लेकिन हम लोग नहीं जा सके, हमने कहा यार बहुत कराची नहीं जाया जाता अब इतनी दूर, क्या करोगे, सारी मार्केट ही कराची है, दोनों ने एक्टिंग, मतलब दोनों ने एक्टिंग को परसू करना है फुल टाइम, वो किस तरह मैनेज होगा, ये तो भी डिपेंड करता है परसू करना भी है कि नहीं। मेरा तो तू वेरी ऑनेस्ट, मेरा मुझे लग रहा है उखड़े उखड़े से लग रहा है, दिल उठा हुआ है तुम्हारा इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा टिकटॉक से ना दिल उठता जा रहा है दिन ब दिन, उसे उठा के इंडस्ट्री के अंदर ले गया, सेम चीज ही है। नहीं I have to disagree with you because असल में सीन पता है क्या, आप ये आप कह रही है ना, असल में सीन ये इंडस्ट्री के ही लोग हमारे बारे में इतना फजूल, हालांकि आम लोग नहीं बोलते, जो इंडस्ट्री में बैठे हैं ना वो बोलते हैं, फिर हमें बुरा लगता है कि यार हम लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आप हमें इस तरह हिट कर रहे होते हैं, फिर बात तो वही है, हालांकि हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, हमारा फेम नो डाउट, मैं इस बात पे हूँ, हमारा इवन एक्ट्रेसेस जो है एक्टर्स, हमारा फेम उनसे भी काफी ज्यादा है। Exactly, और आप लोगों की बड़ी क्रेजी फैन फॉलोइंग है। So the point is, if somebody is jealous, then they're jealous, that means you're doing something right. So, Umer, like we need talented young people like you in the industry. Please, लोगों की बातों में कभी भी मत आना। अच्छा, खुदा का वास्ता है। मेरे ना वो एक वीडियो थी टिकटॉक पे ना, कि 10 कुत्ते भौंक रहे होंगे ना, पुत्र 11वां ना बने। ये बड़ी मशहूर, इस वजह से ना मैं चुप रहता हूँ ज्यादा, मैं बोलता नहीं हूँ। एक चुप सौ सुख। फादर ने कहा बेटा जब तक करना है इसे ऐसा शौकिया कर, प्रोफेशन ना बना। मैं कहता हूँ ठीक है बाबा जी, कहते हैं अपनी जिंदगी जी ले, जब तक मैं कहूंगा, यही बात है। आपके साथ तो कुछ इस तरह का नहीं, मैं भी अपनी एक्टिंग करियर जो है उसको कंटिन्यू करूंगी, और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो करूंगी, उसके बाद का कोई पता नहीं। बहुत ही कुछ आपने वो मेल शोवनेस की ईगो को सेटिस्फाई किया, ये कह के जब तक शादी नहीं होती, शादी के बाद भी नहीं काम कर सकते, शादी के बाद तो बंदा और सब कुछ कहते हैं कि आप घर पे टाइम नहीं दे पाते और इस तरह की चीजें। शादी भी करनी है तो फिर घर भी बिठाना है। उमर क्या राय है आपकी इस मामले में ये तो बाबा अपनी ये तो अपनी थिंकिंग है उसकी। अच्छा, उसकी थिंकिंग है, आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग क्या थिंकिंग है? मैं तो कनेक्ट नहीं कर रही, मैं वैसे पूछ रही हूं। वैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जितनी आपकी सोशल लाइफ कम होती है ना, उतनी आपकी प्राइवेट लाइफ ज्यादा आसान होती है, मुझे ये लगता। नासो से एक दूसरे के निकलने जो मर्जी के लिए, प्राइवेट लाइफ का एक मजा और होता है।
पता क्या, प्राइवेट में आपको कोई आप पे तनकीद नहीं कर सकता, जब आप सोशल हो गए ना आप पे हर बंदा तनकीद करेगा। इतना पॉपुलर टिकटॉकर कह रहे कोई तनकीद नहीं कर सकता, दादी की जिंदगी तनकीद है। खैर, आई थिंक इट विल बी क्वाइट फनी इन अनदर 5 और 10 इयर्स इफ आई एम स्टिल होस्टिंग, आप दोनों से मुलाकात होगी, वो तो अपना एक्टिंग करियर परस्यू कर रही होगी और आप मैं तो बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन तो हो, हां पापा ने कह दिया तो अब वो तो हो, उसके साथ साथ जो मर्जी करो, जब तक डन हो गया। ओके, खैर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप द टाइम। थोड़ा सा आपकी जिंदगी के अंदर भी एक नजर डालनी जरूरी थी, लोग अक्सर जब आप लोगों की वीडियोस देखते हैं मुस्कुराते चेहरे या चलो आपने एक मैसेज भी दे दिया अपनी वीडियोस में, बट पीपल डोंट रियलाइज कि एक सेंसिटिव सोल्स भी अंदर है। हमें भी बुरा लगता है, ये बात नहीं है, हमें भी हर चीज बुरी लगती है, जरूरी नहीं अगर हम हर टाइम आसरे होते हैं कि हमें फील नहीं होती, हम भी फील करते हैं। और फिर यही चीज होती है असल में सीन, पता है फिर ये लोग कहते हैं लोग सुसाइड क्यों करते हैं, आप लोग नहीं अपनी बात नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगले को इस हद तक जज कर देते हैं कि वो बेचारा इस में आ जाता है कि उसे करे तो करे क्या। जिच, आई एम सॉरी, जिच और कॉलीग भी है, तो ये अजाब है, अजाब और बेस्ट फ्रेंड से अब हम रुख्सत लेते हैं क्योंकि माशाल्लाह दोनों के अच्छे खासे प्यारे प्यारे बाल हैं, अगर एक दूसरे के पूछने शुरू हो गए तो फिर हमें एक हेयर एक्सपर्ट को भी बुलाना पड़ेगा प्रोग्राम पे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग, यू गाइस आर गॉर्जियस एंड यू आर सो टैलेंटेड एंड प्लीज लर्न टू इग्नोर व्हाट पीपल से, एंड हम लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके फैंस आगे जिसने जो मर्जी कहना है, लोगों का तो काम है, वो जो कहते हैं ना 10 कुत्ते 11वां नहीं बनना, 11वां नहीं बनना, इसी नोट पे हम आज का अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं।